अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को आयोजित भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज महराजगंज के फरिंदा विधानसभा क्षेत्र के फरिंदा कस्बे में एक भव्य कार्यक्रम के बीच श्री राम नूतन विग्रह प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रण जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें आरएसएस बीजेपी सहित विभिन्न संगठन व आम नागरिकों ने हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर के राम के जयकारे लगाएं और 22 जनवरी को घर घर दीप जलाने की अपील की। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर जो 500 साल पुराना संघर्ष चल रहा है वो 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। इसको लेकर पूरे भारत में उत्सव का माहौल है। इसी के मद्देनजर महाराजगंज जनपद में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। वहीं पूर्व भाजपा विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने कहा कि रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग 22 जनवरी को प्रधानमंत्री की अपील की और अपने घरों पर 5 दीपक जलाएं और दीपावली जैसे पर्व मनाएं। इस तरह का उत्साह है, हम लोग भी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर दीपावली पर्व मनाएंगे। देखिए शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, राम जन्म में एक बहुत बड़ी प्रसन्नता है और जो 500 साल पुराना हम लोग का प्रयास था सोचता 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा, उसके लिए आज पूरा नगर एक शोभा यात्रा निकाल करके अपना उत्साह वर्धन कर आप यहाँ स्वयं कैमरा घुमावे और देखें कि लोगों में कितना उत्साह है। जो महिलाएं कभी घर से नहीं निकलती थी और वो भी यहाँ पर